हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन की हम बात करें तो बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। तो कुछ दिनों से एक डॉक्यूमेंट जो था वो यहाँ पर वायरल हुआ कि एचपी टीजीटी कमीशन की जो वैकेंसीज हैं वो 1587 वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं। 31 दिसंबर 2022 तक इन वैकेंसीज को फिल करने का जो लेटर है वो यहां पर भेजा गया है डिपार्टमेंट को। तो ये वैकेंसी जो है वो यहां पर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन यहां पे आने वाला है। और जब भी एचपी टीजीटी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और उस एग्जाम के बिहाफ पे एचपी टीजीटी के अंदर रिक्रूटमेंट की जाती है। तो सिविल स्टाफ हिमाचल यहां पर हमेशा आपके लिए जो प्रिपरेशन है आपको करवाता है आपके हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की। तो एचपी टीजीटी की अगर हम बात करें, अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो एचपी टीजीटी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो एचपी टीजीटी की हम बात करेंगे आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए इस वीडियो में। आर्ट्स एंड कॉमर्स को लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी उसको सिविल स्टाफ हिमाचल का जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आर्ट्स एंड कॉमर्स की आएंगी और क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, क्या यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा और यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे और जानेंगे कि ये जो कोर्स सिविल स्टाफ हिमाचल आपके लिए लेके आ रहा है ये किस तरह से वर्क करेगा, क्या क्या इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या इसमें सिलेबस रहेगा और क्या इसका टाइम टेबल रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कितनी वैकेंसीज यहां पर आ रही है एचपी कमीशन के द्वारा टीजीटी के अंदर। तो टीजीटी कमीशन की जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 1587 वैकेंसीज, 1587 वैकेंसीज अनाउंसड है। और इसमें से अगर मैं बात करूं आर्ट्स एंड कॉमर्स की, अगर मैं इसमें आर्ट्स की बात करूं तो 744 वैकेंसी, 744 वैकेंसीज जो हैं वो आर्ट्स की फील्ड में से इसमें आने वाली, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर टीजीटी कमीशन के द्वारा आपके लिए है। 744 वैकेंसीज, एक बहुत अच्छा नंबर। और ये जो वैकेंसी है इसको लेकर फिल करने के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो ये एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। तो 2022-23 के लिए ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एक लेटर दिया, उस लेटर में क्या था, जो रिक्वायर्ड टीचर्स है, ठीक है, एक डाटा इनसे मांगा गया था और डाटा में बताया गया कि 31 दिसंबर 2022 तक जो डाटा निकल के आता है कि कितनी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है, कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो ये नंबर निकल के आता है 1587। और इसमें से 744 जो है ये आर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं। तो अपने आप में जो स्टूडेंट्स टीजीटी आर्ट्स से लेकर बिलोंग करते हैं उनको लेकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उन्हें देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किस तरह से फर्दर जो प्रोसेस है वो चलेगा। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि आपके पास कौन सा यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के पास बीए बीकॉम है विद 50% मार्क्स और इसके साथ साथ एक साल का बीएड की डिग्री है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है एक साल की, यहाँ पे क्या होता है कि एटलीस्ट 1 ईयर बोला जाता है, बट अगर किसी के पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 साल की बीएड करी होती है वो भी अलाउड है, एटलीस्ट 1 ईयर होता है तो यहाँ पर वो एलिजिबल है। उसके बाद अगर किसी के पास ये चीज नहीं है, ये इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करते, तो यहाँ पर काफी कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, बीए बीकॉम हो 45% नंबर के साथ और इसके साथ साथ एक साल की बीएड हो, और जो बीएड है ना वो एनसीटीई की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली की होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया भी आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 आपने करी हो, 50% नंबर कम से कम आए हो और इसके साथ साथ 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बी आई बी एड आपने किया हो, इसलिए इसके अगर आप ये आपने किया हुआ है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास ये भी नहीं है तो +2 विद 50% मार्क्स और 4 साल का बी एड, और अगर ये भी नहीं है तो बी ए बी कॉम विद 50% मार्क्स और 1 साल की बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में, बी एड स्पेशल एजुकेशन में। तो यहां पर आप इनमें से किसी एक भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल है। बट इसके साथ साथ एक कंडीशन और है, आपका एचपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए अगर आप एचपी टीजीटी में
जो आप करना चाहते हैं। अब टीजीटी, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पर एचपी टीजीटी कमीशन की एक अच्छी खासी नौकरी हमारे सामने रखी हुई है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आने वाली है और हमें इसका फायदा उठाना है। अब यहाँ पर बात करें एज लिमिट की, कि कितनी आयु वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो कम से कम जो आयु है वो आपकी 18 वर्ष की होनी चाहिए, मिनिमम 18 इयर्स की होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 45 इयर्स, मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 45 इयर्स यहाँ पे आपकी एज जो है वो हो सकती है। और जहां पे जो स्कड्यूल कास्ट है, स्कड्यूल ट्राइब्स है, या अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट्स हैं, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, या फ्रीडम फाइटर्स के जो चिल्ड्रंस या ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, इन सबको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, इनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर? चलिए अब आगे बात करेंगे कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करते हुए यहाँ पर आपको एक फी पे करनी पड़ती है। तो ये मैं आपको बेसिकली पिछले साल का बता रहा हूँ कि कितनी फीस थी। हो सकता है एचपी टीजीटी कमीशन इस साल सेम फीस रखे, हो सकता है कि एचपी टीजीटी कमीशन में इस बार जो है फीस जो है वो चेंज हो जाए। तो एक जनरल सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी की ₹360 फीस ली जाती है, और फिजिकली हैंडीकैप जनरल, आईआरडीपी, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, ₹120 इनसे लिए जाते हैं, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स है, इनसे भी ₹120 ले जाते हैं, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, जो भी बेसिकली डिफेंस सर्विस से निकल के आए हैं, या जो ब्लाइंड पर्सन हैं, विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, उनके लिए फीस नहीं होती। बट ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जब ये टीजीटी का इस साल का नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस किया जाए, हो सकता है कि फीस में कुछ चेंजेस हो जाए, हो सकता है ऊपर नीचे कम ज्यादा किया जा सकता है। एक जनरल आइडिया हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जब भी हम फॉर्म भरेंगे हमें इतनी फीस देनी है। अब एचपी टीजीटी कमीशन में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि चुनने की क्रिया क्या रहती है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपका सिलेक्शन होने वाला है दो प्रोसेसेस में, दो फेज यहां पे रहेंगे। सबसे पहले फेज वन होता है जिसमें आपका एक रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, रिटर्न एग्जाम। अब रिटर्न एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देखूं, ठीक है, रिटर्न एग्जाम है और उसके बाद फेज टू है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब अगर मैं प्रीवियस वे को देखूं कि पिछले सालों में जो एचपी टीजीटी कमीशन ने वैकेंसी निकाली उसके अकॉर्डिंगली मैं देखूं, तो फेज वन क्या होता था, एक रिटर्न एग्जाम होता था 85 मार्क्स का। अब 85 मार्क्स का पेपर है, 170 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 170 प्रश्न इसमें पूछे जाते थे। अब प्रत्येक प्रश्न जो था वो 0.5 मार्क्स का, यानी कि आधे नंबर का होता था, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी। अब इस बार से क्या है कि चेंजिंग ट्रेंड थोड़ा सा दिख रहा है। अब चेंजिंग ट्रेंड कैसे दिख रहा है, अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यह देखने को मिल सकता है यहां पर, क्योंकि 85 मार्क्स का पेपर था और बाकी का आप देखते हो कि 100 मार्क्स का सब कुछ होता है, यहां पे 100 लिखा है। तो 15 नंबर का क्या होता था, 15 मार्क्स होते थे इवैल्यूएशन के। अब इवैल्यूएशन क्या है कि आप बेसिकली किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर मिलेंगे, आपने परसेंटेज लिए तो आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर मिलेंगे, तो इस हिसाब से आपको कुछ मार्क्स दिए जाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो जुड़ते थे। तो 100 मार्क्स इस तरह से कंपाइल हो जाते थे, 85 प्लस 15। बट अभी क्या चेंजिंग ट्रेंड है कि ये 15 मार्क्स को इवेल्युएशन को खत्म किया जा रहा है और ये 100 मार्क्स का यहां पर एग्जाम आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इवेल्युएशन नहीं होगी। तो यानी कि चुनने का जो प्रोसेस है वो आपका रहने वाला है एग्जाम के बेस पे। अब एग्जाम होगा तो इसमें क्या पूछा जाएगा, तो देखिए इसमें आपके जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, और मैं बात करूँ तो आपको सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स आएंगे, जीके यानी कि मैं कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो चाइल्ड पेडागोगी है वो आपसे पूछा जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेकर आपको सवाल आने, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके ये 170 प्रश्न जो है, या आप, मैं बात करूंगा ये 15 के भी अगर 30 प्रश्न ऐड हो जाते हैं तो 200 प्रश्न में से आपको ये सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसी चीज को लेकर अब इन सब्जेक्ट्स की, अब इस एग्जाम आपके सामने होने वाला है तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, इसी एग्जाम प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए सिविल स्टाफ हिमाचल ने एक बहुत ही शानदार कोर्स जो है वो आपके लिए डिजाइन किया है। अब इस कोर्स में बेसिकली क्या क्या आपको मिलने वाला है वो वन बाय वन हम जानते हैं। देखिए ये कोर्स जो है वो आजकल ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए, यानी कि जब से COVID-19 आया, कोरोना वायरस आया, हमारा घर से निकलना बंद हो गया था, तो उसी चीज में ऑनलाइन एजुकेशन का बूस्ट हो गया, बूम हो गया। तो उसी के बाद आज बच्चा कहता है कि मैं घर पे बैठ के जब क्लासेस ले सकता हूं तो मैं दूर देश में भटकने क्यों जाऊं,
तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए रहने वाली है। आपको घर पर बैठ के आपके मोबाइल फोन्स या लैपटॉप के सहारे में आप ये जो क्लासेस है उनको देख सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में आपको एक एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और वहां से आप क्लासेस देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिविल स्टाफ हिमाचल की वेबसाइट पर जाकर भी इन क्लासेस को देख पाएंगे अगर आप अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप का सहारा ले रहे हैं तो। अब डेली दो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। पहली क्लास जो होगी वो सुबह 10 बजे होगी, दूसरी क्लास शाम को 5 बजे होगी। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन क्लासेस को देख पाएंगे जब ये क्लास चल रही है ऑन टाइम, बट किसी वजह से अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम पे क्लास नहीं देख पाता है तो यहाँ पर रहने वाले हैं ऑनलाइन के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, यानी कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिले, आपको सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी। अगर आप किसी क्लास को दोबारा देखने चाहते हैं तो आपके पास एक्सेस है, आप जब मर्जी देख सकते हैं। अगर आप कोई क्लास लगा नहीं पाए तो आप उसको बाद में देखना चाहते हैं तो ये भी आपके पास एक्सेस है कि आप जब मर्जी उसको देख सकते हो, ये एक्सेस यहाँ पे आपके पास रहेगा। अब किस भाषा में पढ़ाएगा टीचर, अब टीचर ने किस भाषा का प्रयोग करते हुए आपको ये सब पढ़ाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों, हमारा जो टीचर है टीचर दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए आपको पढ़ाएंगे और आपको जो नोट्स मिलेंगे वो भी बाईलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में। अब डेली दो सब्जेक्ट और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। हफ्ते में आपकी 5 दिन क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्लास रहने वाली है। सैटरडे संडे को एक दिन आपके डाउट सेशन होता है कि किसी तरह का डाउट आपको आपकी क्लासेस में रहा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हालांकि जब आप क्लास लाइव देख रहे हो या क्लास जब आप रिकॉर्डेड देख रहे हो उसके नीचे भी एक बॉक्स बना रहता है जहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, बट अगर आप टीचर से लाइव डाउट पूछना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर एक सेशन वीकली हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब इसके बाद आपको मिलेगी सारी तैयारी, आप जब कर लोगे तो आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं जिसकी आपको करनी होती है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस जो होती है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्लियर। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करवाया जाएगा सेशंस के साथ साथ। तो ये यहाँ पर जो कोर्स में हमारे बेनिफिट रहने वाले हैं क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर करवाया जाएगा, जो भी प्रश्न एचपी टीजीडी में आते हैं एग्जाम में वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, कुछ भी आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस कोर्स में हम बात करें कि ये कोर्स स्टार्ट कब से होने जा रहा है, तो ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 6 अक्टूबर 2022 से, 6 अक्टूबर 2022 से ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। इस कोर्स की पहली क्लास 6 अक्टूबर 2022 को हो रही है। मैं कोर्स शेड्यूल की टाइम टेबल की बात भी करूंगा आगे, और कब तक क्लासेस चलेंगी, 3 जनवरी 2023 तक आपकी क्लासेस चलेगी, आपका सिलेबस जो है वो 3 जनवरी 2023 तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि लगभग 3 महीने का आपका ये कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। 3 महीने में आप अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, बट जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अगर आपको क्लासेस दोबारा देखनी है, दोबारा कुछ क्वेश्चंस करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, कुछ भी करना है, तो आपके पास एक्सेस जो है वो आपके एग्जाम तक रहने वाला है, जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। चाहे वो जनवरी में हो, चाहे वो फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। अब बात करें फीस कितनी रहेगी इस कोर्स की, ठीक है, फीस की बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर शेड्यूल की टाइम टेबल कैसे रहने वाला है। तो फीस यहाँ पर इस पूरे कोर्स की, कंप्लीट सिलेबस की, पूरे के पूरे कोर्स की टिल द एग्जाम, यहाँ पर जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 5,999 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपीज यहाँ पे फीस रहने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, और किसी भी तरह का डाउट आता है, कंफ्यूजन आती है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डेट इज 7814622609, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, क्लियर। अब आगे हम बात करें कि टाइम टेबल क्या रहेगा, स्केड्यूल किस तरह रहेगा, किस तरह से क्लासेस यहाँ पे चलने वाली है, तो पूरा का पूरा स्केड्यूल आपके सामने है। सबसे पहले शुरुआत आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से होगी, 6 अक्टूबर 2022 से पहली क्लास सुबह 10 बजे इसकी होने वाली है, टोटल इसकी 25 क्लासेस होंगी, 12 नवंबर 2022 को ये खत्म होंगी। 12 नवंबर 2022 को चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी खत्म होगा तो जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी, और आपकी जो दूसरी क्लास है वो होने वाली है शाम के 5 बजे, डेली उसी तरह से 6 तारीख को शाम को 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 5 नवंबर तक आपकी क्लास चलेगी हिंदी की, उसके बाद पॉलिटी की, फिर एचपी जी के, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, यानी कि डेली दो सब्जेक्ट की क्लासेज है आपकी, दो दो सब्जेक्ट आपके टाइमली चलते जाएंगे, ठीक है। और
3 जनवरी 2023 को आपकी आखिरी क्लास जो है वो कंडक्ट होएगी, और उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट, आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस तरह से आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी, क्योंकि इन क्लासेस के अंदर सारे फैक्ट्स को कवर किया जा रहा है, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया जा रहा है। टीचर यहाँ पर क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं कि इसमें सब कुछ प्रोवाइड होगा, आपको सब कुछ सारे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, नोट्स जो है वो सारे के सारे प्रॉपर वेल डिजाइन किए गए हैं, सारे के सारे क्लासेस जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। हर एक जो टीचर जो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको सालों का एक्सपीरियंस है अपने उस सब्जेक्ट की फील्ड में, तो हर सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो हर टीचर अपने आप में अपने उस सब्जेक्ट को लेकर एक्सपर्ट है। तो आगे अगर हम बात करें कि किस तरह से आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस बैच था उसमें रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुकी है, वो आप अवेल नहीं कर सकते। तो ये जो नया बैच है ये 6 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स रहने वाली है, क्योंकि हमारा जो कोशिश रहती है सिविल स्टाफ हिमाचल की वो रहती है क्वालिटी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करना, क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको बेस्ट क्लासेस एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और इसी के साथ साथ हमारे जो टीचर हैं वो आपको बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन करते हैं दोनों भाषाओं में, ताकि स्टूडेंट को समझ जो है वो अच्छे से रहे हर चीज की। और एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के चलते हुए हम अपना बैच चलाते हैं, उसके बाद बैच को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कोशिश है वो रिजल्ट ऑरिएंटेड है, हम चाहते हैं कि रिजल्ट हो, बच्चा अच्छे से तैयारी करे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाए। और ये जो बैच है ये 6 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके डायरेक्टली आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप सिविल स्टाफ हिमाचल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लैपटॉप पे भी सिविल स्टाफ हिमाचल .com चला सकते हो, या फिर अपने कंप्यूटर पे, और वहां पे जाओगे तो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर मोबाइल के अंदर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत रिक्वायर्ड है। ब्राउजर में जाकर जब आप सिविल स्टाफ हिमाचल .com खोलोगे तो आप इस तरह की एक वेबसाइट पे आओगे, वहां पर राइट साइड पे आपको एक लॉगिन बटन दिखेगा, इस लॉगिन बटन पे जब आप क्लिक कर दोगे इस तरह से खुलेगा, ठीक है, जो ऑलरेडी सिविल स्टाफ हिमाचल के यूजर है वो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भर के लॉगिन करेंगे, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर साइन अप करेगा, साइन अप करके यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्टोर पे चले जाएंगे, स्टोर पे क्लिक कर देंगे, वहीं पे साथ में ऑप्शन है, और स्टोर में क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको कोर्स दिख जाएगा, बाय करना है ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करके आपकी जो क्लासेज है वो आपके डैशबोर्ड में माई कोर्सेज में आपको आपकी क्लासेज दिख जाएंगी, माई कोर्सेज में आपकी जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली एड हो जाता है, और किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लास नहीं दिख रही, तो आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्लास देखते वक्त अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपकी हर क्लास के नीचे ऐसे एक बॉक्स बना होगा, ठीक है, राइट अ कमेंट लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको अपना वो डाउट लिखना है और पोस्ट पे क्लिक कर देना है, तो बहुत जल्द आपको जो है वो रिप्लाई जो है कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा कर दिया जाएगा, और आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। वीकली जो आपके डाउट सेशन है वो तो होंगे, उसके साथ साथ ये फैसिलिटीज आपके लिए रहने वाली है, आप डाउट पूछ सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का डाउट हो कोर्स को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो बैच है एचपी टीजीटी आर्ट्स एंड कॉमर्स का, ये 6 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो कॉल कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स यहाँ पर इस बैच में रहने वाली है, 6 अक्टूबर 2022, भूलेगा मत। थैंक यू सो मच गाइस, किसी भी तरह की जानकारी के लिए नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, थैंक यू सो मच।